हाय एवरीवन, ये है कोड फोर्सेस ग्लोबल राउंड 14 का सी का एडिटोरियल। तो प्रॉब्लम सी कुछ ऐसी थी कि हमें एन ब्लॉक्स दे रखे हैं और उसकी हाइट गिवन है, और हमें उस एन ब्लॉक्स को यूज करके एम टावर्स बनाने हैं। ठीक है, और कंडीशन ये है कि किसी भी दो टावर के बीच में जो हाइट डिफरेंस है वो स्ट्रिक्टली मोर देन एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेस देन इक्वल टू एक्स होना चाहिए किसी भी दो टावर के बीच में हाइट का डिफरेंस। तो टावर कैसे बनेंगे, इन ब्लॉक्स को यूज करके, और हर टावर में एक ब्लॉक तो होगा ही मिनिमम। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी टावर की हाइट जीरो हो। तो एक बार अच्छे से समझते हैं प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ये है अपनी कि हाइट हमें दे रखी है एन ब्लॉक्स की, कुछ एन ब्लॉक्स की हाइट हमें गिवन है, और कोई भी हाइट जो है वो एक एक्स वैल्यू से कम है, कभी भी एक्स को एक्सीड नहीं करेगी। हमें टावर्स क्रिएट करने हैं एम, तो टी अगर टावर है तो T1, T2, T3 ऐसे करके एम टावर्स क्रिएट करने हैं। और हाइट जो है वो T1 है फर्स्ट टावर की, सेकंड की T2 ऐसे है, और किसी भी Ti-Tj किसी भी दो टावर के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो ये एक्स से कम होना चाहिए। तो हमें एक्स गिवन है और हाइट गिवन है ब्लॉक्स की, ये ब्लॉक्स है और ये टावर्स है। तो अब हमें बताना है कि ये T1, T2, T3 ये सब क्या ऑर्डर मैं लूंगा इन ब्लॉक्स का, कि जैसे अगर मैं H1 को टावर T2 में डालता हूँ तो मैं जो फाइनल एरे प्रिंट करवाऊंगा उसमें यहाँ पे 2 होगा। अगर H2 को मैं थर्ड टावर में यूज करता हूँ तो यहाँ 3 होगा, H3 को फर्स्ट में यूज करता हूँ तो 1 होगा। तो ऐसे हमें फाइनल आंसर प्रिंट करना है कि कौन सा ब्लॉक किस टावर में गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं कैसे करा मैंने। अब मान लो कि अपने को 5 ब्लॉक्स दे रखे हैं, H1, H2 या एन दे रखे हैं। सपोज करते हैं अपन कि एन दे रखे हैं अपने को, H4, H5, कुछ कुछ HN ब्लॉक्स की हाइट है। अब हम कहते हैं कि अपने को 5 ब्लॉक बनाने हैं, तो M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा, अब N जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू M है ना, तो मैंने क्या करा, पहले तो इसको सॉर्ट करा हाइट को। तो अज्यूम करो ये हाइट सॉर्ट होने के बाद ऐसी है, ये एरे जो है हाइट का ये ऐसा है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है अभी मैं मान रहा हूं, लेकिन सॉर्ट हमें इनिशियली गिवन नहीं होगा, हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, तो सॉर्टेड है। तो अब मेरे को 5 टावर बनाने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि जो HN-1, HN-2, HN-3, HN-4, जो लार्जेस्ट 5 होंगे ना ब्लॉक्स, जिनकी हाइट लार्जेस्ट 5 जो हाइट है अपने पास ब्लॉक्स की, वो मैं इन 5 टावर्स को असाइन कर दूंगा पहले। ये वाला इसको, ये वाला इसको, ये वाला इसको, ऐसे करके मैंने 5 इसको दे दिया। अब ये क्यों करा, इसका रीजन ये है कि हमें जो है डिफरेंस जो है टावर्स का, जो अपने टावर हैं 5, उनमें डिफरेंस जो है लेस देन इक्वल टू एक्स रखना है किसी भी दो टावर के बीच के डिफरेंस, हाइट के डिफरेंस को। तो अगर मैं मान लो यहाँ पर HN-4 नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर H1 दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस गया H1 और HN-3, ये तो ज्यादा है ना, ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा है HN-3 - HN-4 से। तो ये टर्म तो कॉमन है, ये मॉड है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कोई भी आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो ज्यादा है ये कम है, तो अब तो हम तो कम वाला प्रिफर करेंगे ना, क्योंकि हमें फाइनली जो है कॉन्जिक्यूटिव हाइट लेस देन इक्वल टू एक्स बनानी है। तो इसलिए मैंने जो लार्जेस्ट एम होंगे, तो मैं एक बार अच्छे से दोबारा बता देता हूँ। तो अपन ने हाइट को सॉर्ट करा और लार्जेस्ट
जितने भी अपने को टावर बनाने हैं, मान लो एम बनाने हैं, T1, T2, T3, अभी हम एम को 5 ले लेते हैं, तो T4, T5, तो हमने जो लार्जेस्ट 5 हाइट थी ब्लॉक्स को असाइन कर दिया टावर्स में। ठीक है जी, अब हमें पता चल गया कि एक एक ब्लॉक सबके पास है। अब क्या करें? अब अपने पास जो है H1 से लेकर HN-5 तक बचे हैं ब्लॉक्स, तो मतलब अपने पास N-5 ब्लॉक्स बचे हैं, N-4, 3, 2, -1, N, ये हमने यूज कर लिया। तो अब जो इसमें सबसे बड़ा है HN-5, अब हमें ब्लॉक एक एक करके इन टावर्स को असाइन करना है, क्योंकि सारे ब्लॉक्स हमें असाइन तो करने ही है फाइनली किसी ना किसी टावर को। तो जो अब HN-5 है, जो सबसे बड़ा ब्लॉक है अभी हमारे पास, वो मैं किसको असाइन करूंगा यहाँ पर, ये कैसे सोचूं मैं? तो मेरे को गोल नहीं भूलना अपना, मेरे को गोल है कि कॉन्सिक्यूटिव नहीं, किसी भी दो टावर के बीच की हाइट को लेस देन इक्वल टू एक्स रखना है। तो मैं अभी सबसे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट किस टावर में ऐड करूं? तो ऐड दिस मैक्सिमम पॉसिबल हाइट टू टू द टावर टू द टावर हुज हाइट इज मिनिमम। ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है कि जो अभी हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल हाइट का ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैं उसको किस टावर में ऐड करूं? तो मैं उसको उस टावर में ऐड करूंगा जिसकी हाइट सबसे मिनिमम होगी। ठीक है, अब ये कैसे, इसको देखते हैं। तो मान लेते हैं HN-5 की वैल्यू कुछ 3 है, उनकी इससे ग्रेटर देन इक्वल टू ही वैल्यू होगी, तो मान लेते हैं 4, 5, 6, 3 टावर थे अपने पास, तीनों को हमने जो लार्जेस्ट 3 वैल्यूज थी 4, 5, 6 असाइन कर दी। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1, 2 और है, ठीक है, 1, 2 या 2, 2 ले लेता हूँ, दो ब्लॉक्स और हैं जिनकी हाइट 2 और 2 है और एक 3 है। तो अभी जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है 3, उसको मैं मिनिमम पॉसिबल मतलब 4 में ऐड करूँ, ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो 4 + 3 कितना हो गया अपना 7। तो अभी अपनी 3 हाइट क्या हो जाएगी, अपनी जो 3 हाइट है वो हो जाएगी 7, 5 और 6। ठीक है, अभी मैंने मिनिमम में क्यों ऐड करा, मिनिमम में इसलिए ऐड करा क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम में ऐड करता या इससे बड़े वाले में ऐड करता तो जो डिफरेंस आता ना वो ज्यादा आता। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 को 5 में ऐड करता तो ये बनता 4, 8, 6। तो जो मैक्सिमम डिफरेंस आया ना किसी भी दो टावर के बीच का, वो 4 आया। अभी क्या है, अभी 2 है। ठीक है, 7 - 5 2 मैक्सिमम डिफरेंस है, और अगर मैं 6 में ऐड करता 3 तो क्या बनता, 4, 5, 9। तो अभी मैक्सिमम डिफरेंस क्या आता दो किसी भी दो टावर के बीच का, 9 - 4 जो कि होता है 5। तो इसमें 5 आया, इस केस में 5 आया, इस केस में 4 आया, इस केस में 4 आया और इस केस में 2 आया। तो अपने को तो मिनिमम ही चाहिए ना, क्योंकि फाइनली अपने को लेस देन इक्वल टू एक्स रखना है किसी भी दो टावर के बीच के हाइट के डिफरेंस को। ठीक है, तो अपन मिनिमम वाले ही चूज करेंगे ना, ग्रीडीली तो जाएंगे। अब हमने यहीं पे 4 ले लिया, और मान लो X3 था, तो यहीं पे खेल खत्म हो गया सारा, है ना? तो इसलिए अपने को मिनिमम वाला चूज करना है। तो मिनिमम वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट अभी हमारे पास है ना, उसको मिनिमम जो हाइट का टावर है अभी करंटली हमारे पास, उसमें ऐड करेंगे, और फिर ऐसे ही सीक्वेंशियली हम आगे बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे, तो वो ऐसे बढ़ेंगे कि जैसे हमें ये डायनामिक रखना है, मतलब कैसे, देखो जैसे 4, 5, 6 गिवन था, तो मैंने 3 को 4 में ऐड करा, तो अभी फाइन अभी अगला क्या हो गया, हाइट क्या हो गई,
सेवन फाइव और सिक्स। तो अब ये चीज सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए हमारे पास हमेशा, जब भी हम ऑप्टिमली कर पाएंगे तो ये ऐसे होनी चाहिए 5 6 7। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है कि कैसे ये करना है परफॉर्म, क्योंकि हमें ये तो पता होगा हर बार मैक्सिमम कौन सा है, लेकिन इसमें ऐड करने के बाद ये नहीं पता होगा कि अब मिनिमम हाइट वाला टावर कौन सा है। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कोड में कि मैंने कैसे करा है। बस मेन लॉजिक ये समझ में आना चाहिए, ये वाला कि हमें ये करना है, क्यों करना है मैंने समझा ही दिया। ठीक है, तो फिर कोड देखते हैं। तो कोड सिंपल तो नहीं कहूंगा लेकिन क्लीन जरूर है। तो अपन ने इनपुट लिया एन जो कि ब्लॉक्स है, एम जितने टावर्स बनाने हैं हमें, और एक्स जो डिफरेंस रखना है हमें मैक्सिमम पॉसिबल। तो हाइट इनपुट करी एन ब्लॉक्स की, उसके बाद मैंने क्या करा, एक सेट लिया, सेट ऑफ पेयर। ठीक है, तो इसमें सेट में क्या फायदा है कि जो पेयर्स विल रिमेन इन सॉर्टेड ऑर्डर, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पेयर। ठीक है, जो ये तो पेयर है ना अपना, ये इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे ये सेट में। ठीक है, तो मैंने सेट में क्या सेव करा है, यहाँ पर हाइट है क्योंकि अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि हम जो मैक्सिमम एम पॉसिबल हाइट्स हैं वो पहले असाइन करेंगे एम टावर्स को, और इंट में इंडेक्स सेव करेंगे जिससे कि हमें पता रहे कौन सा टावर में कौन सा ब्लॉक गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंसर्ट कर दिया एच आई कॉमा आई। ठीक है, उसके बाद मैंने ये निकाला कि एम जो हाईएस्ट ब्लॉक्स निकालने के बाद कितने ब्लॉक्स रह जाएंगे, तो वो आर ई एम में है, तो मैंने वो आर ई एम ब्लॉक्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो कैसे एक्सट्रैक्ट करे, एस टी का जो सबसे फर्स्ट है वो निकाला और उसको इरेज कर दिया एस टी सेट में से, और एक नए सेट में डाल दिया एस टी वन में, उसको मैंने इस वाले में, ये एस टी वन भी मैंने यहीं पे बनाया हुआ है। तो इससे क्या हुआ, अब मेरे पास एम हाईएस्ट ब्लॉक्स इन सेट एस टी एंड ऑल अदर ब्लॉक्स आर इन सेट एस टी वन। ठीक है, तो एस टी में मेरे पास एम हाईएस्ट है, तो और बाकी और सारे जो एस टी वन में है। तो अब मैं क्या करूँगा कि एस टी वन में जो है उसमें सबसे हाईएस्ट जो है उसको उठाऊंगा, और अपने अभी मिनिमम हाइट का जो टावर है, जो भी मिनिमम है सबसे, उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, यही मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि जो भी अपने को यहाँ पर, जैसे 4 5 6 था अपना, 4 5 6 ये हाइट है टावर्स की अभी करेंटली, तो जो भी मिनिमम होगा ना इसमें, उसमें मैं अभी मैक्सिमम पॉसिबल ब्लॉक ऐड कर दूंगा 3। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसमें 3 होगा और इसमें 4 होगा एस टी में। तो मैंने एस टी वन में जो है रिवर्स इटरेट करूंगा, यहाँ पर मैं रिवर्स इटरेट कर रहा हूँ एस टी वन में, मतलब सबसे पहले मैक्सिमम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और मैं एस टी का जो मिनिमम है ना वो बिगिन सबसे स्टार्टिंग में पड़ा होगा सेट में, तो मैंने वो निकाला और उसमें ऐड कर दिया और वापस एस टी में इंसर्ट कर दिया, जिससे कि हमेशा ये सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा। और आंसर सेव करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने शुरू में इंडेक्सिंग कर दी 1 से, क्योंकि मेरे को पता है जो एस टी में है वो तो मेरे एम ब्लॉक्स एम टावर्स में, एम टावर्स बनेंगे जो भी मेरे एस टी में है। ठीक है, तो एम ब्लॉक्स मैंने पहले ही डाल रखे हैं, तो उन ब्लॉक्स को मैंने इंडेक्सिंग कर दी उनकी, बाय डॉट सेकेंड में उनका इंडेक्स है ब्लॉक्स का, तो 1 से स्टार्ट करके मैंने सबको इंडेक्स कर दिया। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैंने जो ये वाला एक्सट्रैक्ट करा है अभी एस टी वन में से, जो मैक्सिमम हाइट वाला ब्लॉक है, उसके भी इंडेक्स में मैंने सेम टावर का इंडेक्स डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये काम करा है, और फिर वापस से मैंने एस टी में इंसर्ट कर दिया। तो जो भी ये वाला जो एक्सट्रैक्ट करेगा ना एस टी डॉट बिगिन से, ये हर बार मिनिमम वाला ही करेगा। तो एक्सट्रैक्ट मिनिमम हाइट
एक्सट्रैक्ट टावर ऑफ मिनिमम हाइट, ये काम ST से हो जाएगा। उसके बाद सेव इंडेक्स ऑफ टावर फॉर करंट मैक्सिमम हाइट ब्लॉक, ठीक है, जो ST1 में था, तो उसका मैंने आंसर सेव कर लिया और वापस से मैंने ST में डाल दिया क्योंकि उसकी हाइट अपडेट हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ इरेज कर दिया था उसे, तो अब मैं वापस अपडेटेड हाइट के साथ उसे डाल दूंगा ये, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा कि ST में मेरे अब करेंटली यहाँ पर क्या है, ST कंटेन्स m टावर्स ऑफ हाइट, m टावर्स विद देयर हाइट्स, ठीक है, ST में है। तो मैंने क्या करा, सबसे आसान तरीका चेक करने का क्या होगा कि जैसे अगर कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना सॉर्टेड में पड़ा हुआ है एरे, जैसे 1 2 3 3 4 5, तो मेरे को अगर ये जानना है कि किसी भी दो के बीच का डिफरेंस जो है लेस देन इक्वल टू एक्स है या नहीं है, तो मैं मिनिमम उठा लूँ और मैक्सिमम उठा लूँ और उनके बीच का डिफरेंस चेक कर लूँ, अगर वो लेस देन इक्वल टू एक्स है तो बाकियों का भी होगा, ठीक है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने यहाँ पे वही करा है, एक तो मैंने लास्ट वाला उठाया IT वाला, और बिगिन वाला मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो मैंने डिफरेंस चेक करा, अगर ग्रेटर देन एक्स आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, एल्स यस पॉसिबल है, और मैंने आंसर प्रिंट करवा दिया। तो मेरे को ये वाला नो का आइडिया नहीं है कि ये हर केस में यस ही आएगा आंसर, मुझे एक बार ऐसा लग भी रहा था लेकिन पता नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैंने सेफ रहने के लिए कंडीशन यहाँ पे लगा दी। तो जो भी है आसानी था ये, बस इम्प्लीमेंटेशन देखनी थी, एक हमें चीज़ याद रखनी थी जो यहाँ पे है, समझनी थी, अच्छा मिटा दी, कि जो भी मिनिमम हाइट वाला टावर होगा करेंटली, उसमें हमें मैक्सिमम हाइट वाला ब्लॉक ऐड करना है जिससे कि हमारा डिफरेंस हमेशा मिनिमाइज रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।